थोड़ी देर रुकने का प्रयास करो, बहुत ही लाभदायक। फिर से पैर तक धीरे से वापस है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ के सेक्टर 47 में डिफेंस रिएक्टर की तरफ से योग दिवस मनाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शर्मा जी, जो आज योग दिवस है, तो क्या कहना चाहेंगे योग दिवस? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देशवासियों को और समस्त जो पूरी दुनिया के लोगों को बधाई शुभकामनाएँ। जो हमारे देश की पुरानी वैदिक सभ्यता संस्कृति थी जो छूट गई थी, मैं बात करूँ, और आज इस अवसर पर मैं सरकार से मांग भी करता हूं कि योग को प्राइमरी लेवल से बच्चों को सिखाया जाए। एक योग की क्लास होनी चाहिए जो पहले गुरुकुलों में होता था, जो संस्कार हमारे बच्चों में पलता था, आगे जाता था, वो ख़त्म हो रहा था। योग को स्कूलों से और कॉलेज तक नियमित रूप से कराया जाए। शर्मा जी, अगर योग की बात करी जाए तो हर साल इसको योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पर असल में इसकी जो तस्वीर है वो कुछ और ही है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अब आप अगर कर रहे हैं तो डेली आप एक्टिविटी करते हैं, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, अगर दिखावा करके भी ये शुरू हुआ है, 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योग दिवस की बात की, पूरी दुनिया ने माना और सभी लोग कर रहे हैं, तो अगर दिखावे के रूप में भी अगर कुछ लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे एक पद्धति में बदल जाए, लोग रोज़ शुरू करें, अपने बच्चों को कराएं, तो इससे हमें जो आज बीमारियों से छुटकारा होगा। और जो हम बात करें अपने पुरातन सभ्यता की तरफ, जो वैदिक सभ्यता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना को मात दे सकता है योग, इसको लेकर आपका क्या कहना? एकदम सही है, और इस काल में लोगों ने योग का तो योग पे काम भी किया है, और यहाँ तक कि जो कोरोना के मरीज हैं उनसे योग कराया जा रहा है और वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। देखते थे, ये थे राकेश शर्मा, इन्होंने अपने घर पे यहाँ पर योग दिवस मनाया। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।